आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर अगर किसी भी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट या सर्विस अगर बेचा जा रहा है वो कितना सही है। जो विवेक बिंद्रा जी ने किया, अपना कोर्स बेचा, जो वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाएंगे, IBC बनाएंगे, और IBC बनकर कोई भी लाखों रुपए कमा सकता है, अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकता है। तो बड़ा बिजनेस .com या बड़ा बिजनेस के नाम से जो इनका बिजनेस है, इसके माध्यम से उन्होंने MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग किया, और या कोई पोंजी स्कीम चलाई जिसमें उन्होंने अपना कोर्स बेचकर मासूम बच्चों को जो अभी 10वीं 12वीं में है, ग्रेजुएशन किया है, जो अभी नौकरी की तलाश में है, तो उनको जो ठगा है वो कितना सही है या कितना गलत हो सकता है। ये सभी चीज़ें हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट आई कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। देखो, बेसिकली सबसे पहले ये समझो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या। मल्टी लेवल मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है कि एक कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है या कोई सर्विस प्रोवाइड करवाती है, वो आगे जो अपने कस्टमर्स हैं उनको वो प्रोडक्ट बेचकर कहती है कि भाई देखो, ये रहा आपका प्रोडक्ट, इसकी इतनी वैल्यू है, मुझको देकर ये प्रोडक्ट आप खरीद लो, इसको यूज करो, और अगर आप और आगे कमाना चाहते हो इसी प्रोडक्ट के माध्यम से तो अपने से नीचे लोगों को इन प्रोडक्ट्स को बेचो, मतलब कि और दूसरे लोगों को जो है इन प्रोडक्ट्स को बेचो, बेचने पर हम आपको कमीशन देंगे और उसी कमीशन से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। तो बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग यही होता है। एक कंपनी होती है सबसे ऊपर, वो कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाती है, कोई सर्विस प्रोवाइड करवाती है, उसी प्रोडक्ट या उसी सर्विस को जो उसके कस्टमर्स खरीदते हैं उन्हीं कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट आगे बेचना होता है। आगे बेचने पर उस प्रोडक्ट से जो भी इनकम जनरेट होता है कंपनी उसका कुछ शेयर उस कस्टमर को दे देती है जिसने आगे उस प्रोडक्ट को दूसरे कस्टमर को बेचा है। तो इस तरह से बेसिकली एक पिरामिड बनता है, टॉप पर कंपनियां होती हैं और नीचे जो है उसके कस्टमर्स होते हैं। ये कस्टमर्स ही उस कंपनी के प्रोडक्ट का या जो सर्विसेज हैं उसका प्रचार प्रसार करती हैं और उसको आगे बेचती हैं, और उसमें से कुछ कमीशन जो है कंपनी उनको देती है। इसी तरीके से ये पूरी चेन चलती है नीचे तक, इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। आसान सी चीज़ है, कर सकता है कोई भी, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ क्या है जो हमको समझना है कि ये जो प्रोडक्ट है क्या सचमुच में वो यूजफुल है, क्या सचमुच में उसका कोई फायदा है, क्या सचमुच में उसकी उतनी वैल्यू है जितनी जो है कंपनी चार्ज करती है अपने कस्टमर्स से। तो यही बेसिकली समझना है, पहला फ्रॉड यहीं पर होता है। बेसिकली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, ये सभी ओवर प्राइस्ड होती हैं, इतनी वैल्यूज की नहीं होती जितना उसका प्राइस होता है। अब बेसिकली क्या है, कस्टमर को भी कमाना है, इसलिए जो है वो आगे अपने दूसरे कस्टमर्स को उसको चिपकाने में लगा रहता है कि भाई जैसे ही वो चिपकेगा मुझको कमीशन मिलेगा और कमीशन से मेरा फायदा होगा। तो इस तरीके से कंपनी भी प्रॉफिट कमाती है और जो उसके कस्टमर्स हैं वो भी कमाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है बिल्कुल घटिया रद्दी और कोई भी उसकी वैल्यू नहीं होती है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या चाहे सर्विस हो। सेम वही चीज़ यहाँ पर विवेक बिंद्रा जी ने भी किया है। विवेक बिंद्रा जी जो कहते हैं कि भाई मेरा कोर्स खरीदो, ये कोर्स 50,000 का, 40,000 का, 35,000 का, लाखों रुपए तक इसकी कीमत है, इसको खरीदने के बाद आप उनके इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं और अपना बिजनेस रन कर सकते हैं इस कोर्स के माध्यम से। बट बेसिकली ऐसा हुआ नहीं। होता क्या था कि इस कोर्स को खरीदने के बाद जिस भी बच्चे ने उसका कोर्स खरीदा तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेहनत ना करनी पड़े, कम मेहनत में अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, इस लालच में उन्होंने जो है विवेक बिंद्रा जी के कोर्सेज को खरीदा, और बाद में पता चला कि ये ठन ठन गोपाल हो गया, कुछ नहीं है उस कोर्स में, कोई वैल्यू नहीं है। और जब वो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनने का जो दावा करते थे या बनाने का जो वादा किया था उन्होंने इस कोर्स को खरीदने के बाद, और इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट IBC बनने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ यहाँ पर भी वही मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब जिसको वो कोर्स चिपकाया गया था उसने क्या किया, उसने दूसरे आगे लोगों को जो है चिपकाना शुरू किया। अब कोर्स में कोई वैल्यू हो तभी तो वो आगे चिपके। MLM में बेसिकली यही होता है, जो कंपनी टॉप पर है वो कुछ लोगों को अपना प्रोडक्ट चिपका देती है, अब वो जो लोग हैं वो आगे के लोगों को जो है
प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उसमें उतनी वैल्यू नहीं है तो आगे वो चिपकने की संभावना बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो ये कस्टमर्स होते हैं ये जो है कंपनी को स्विच कर देते हैं कि भाई ये वाली कंपनी सही नहीं थी, दूसरी वाली कंपनी में गए हैं, इसका MLM ठीक है, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। बट बेसिकली होता कुछ भी नहीं है, हर जगह वही काम है। यहाँ पर भी जो वो बच्चे थे या जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट को, उस कोर्स को ख़रीदा, वो आगे बिक नहीं रहा था, तो फाइनली क्या हुआ, उनका लॉस हुआ। जब ये लॉस हो रहा था सारा, तो यहाँ पर क्या विवेक बिंद्रा जी की कोई लायबिलिटी बनती है? बिल्कुल बनती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर गारंटेड दावा किया था कि भाई आप लोग जो है इतना पर्टिकुलर अमाउंट कमाएंगे। तो ये एक तरीके से इल्यूजन क्रिएट किया गया, लोगों को भ्रमित किया गया, लोगों को झूठे वायदे के साथ जो है ये प्रोडक्ट बेचा गया है, दैट इज़ कॉल्ड चीटिंग। तो यहाँ पर बेसिकली चीटिंग हुई है। तो इस तरह से अगर किसी भी व्यक्ति को ठोक बजाकर पीट कर अगर ये बोला जा रहा है कि आप मेरा कोर्स खरीदो, मैं आपको प्रॉफिट करवाऊँगा, फ़ायदा करवाऊँगा, तो यहाँ पर ये एक तरीके से चीटिंग है। विवेक बिंद्रा जी ने शायद यही किया, विवेक बिंद्रा जी ने ये किया भी है, क्योंकि जो वैल्यू उन्होंने ली है अपने कोर्स की, 50,000, 40,000, 1,00,000 रुपए जो भी लिया हो उन्होंने, उसके हिसाब से क्या वो उतना पैसा कमवा रहे हैं या नहीं, मेन चीज़ ये है। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनकर कोई पैसा कमा रहा है या नहीं, या सिर्फ उसको जो है आगे बेचकर पैसा कमा रहा है। आगे बेचकर पैसा कमाने की बात नहीं हुई थी, बात हुई थी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनने की। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनोगे तब पैसा कमाओगे, देन दैट इज़ फाइन। सिर्फ कोर्स बेचकर अगर आप पैसा कमा रहे हो, देन दैट इज़ नॉट फाइन। तो नॉर्मली क्या है, एक सीख मिलती है कि हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी पैसा कमाओगे तो उसके पीछे एक हार्डवर्क होगा। सिर्फ एक कोर्स खरीद लेने से या सिर्फ प्रोडक्ट खरीद लेने से आप पैसा नहीं कमा सकते, और दूसरे को आप कैसे बेचोगे, जब उसके अंदर कोई वैल्यू होगी तभी तो। हर कोई वैल्यू चाहता है, और अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो वो चीज़ नहीं बिकती है आगे, चाहे वो आपकी सर्विस हो, चाहे वो आपका कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कोई कोर्स ही क्यों ना हो। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।